हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा की एसपी 125 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरिएंट, जो कि फ्रेंड्स इसका E20 अपडेटेड वाला मॉडल है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे फ्रेंड्स इस बाइक का यहाँ पे माइलेज टेस्ट के ऊपर वीडियो लाने के लिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे सामने यहाँ पे बाइक प्रेजेंट है। और फ्रेंड्स, ये आप बोल सकते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट में माइलेज किंग के नाम से जानी जाती है। तो आज फ्रेंड्स हम चेक करते हैं कि E20 अपडेटेड वाले मॉडल में बाइक हमें क्या रियलिटी में माइलेज ऑफर करती है। हम बाइक को फ्रेंड्स राइड करेंगे इको मोड में, मतलब जो भी फ्रेंड्स हमारा स्पीड रहेगा वो यहाँ पे 60 के अप्रॉक्स में ही हम मेंटेन करके चलेंगे और देखते हैं बाइक हमें क्या माइलेज ऑफर करती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक का जितना भी पेट्रोल था वो हमने ख़त्म कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रिप को भी हमने जीरो कर लिया है। आपको हम बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम स्टैंड स्टैंड को जो है वो ऊपर करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक और यहाँ पे फ्रेंड्स अब स्टार्ट हो नहीं रही है। ये फ्रेंड्स FI वाला मॉडल है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंड्स और सेल्फ लेंगे नहीं। आपको हम एक बार और दिखा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाइक यहाँ पे और स्टार्ट अब हो नहीं रही है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम पुट करेंगे इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल और देखते हैं बाइक हमें यहाँ पे 1.5 लीटर में क्या माइलेज प्रोवाइड करती है। और फ्रेंड्स, ये बाइक हमें प्रोवाइड करवाया है सौरिया होंडा ग्रिडी ने। तो अगर आप फ्रेंड्स ग्रिडी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं, आपको बाइक के ऊपर बेस्ट ऑफर्स मिल जाएगा। आप हमारा नाम लेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक ना एक गिफ्ट अभी मिलेगा, जब तक मतलब फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तब तक। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, वो हम यहाँ पर पेट्रोल जो है उसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है 1.5 लीटर पेट्रोल, आप देख सकते हैं 500 ml। और अभी फ्रेंड्स हम इसे ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी हमारा हेल्प कर रहा है भाई, जो कि हमारे साथ चलेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम पिलियन के साथ आपको माइलेज टेस्ट का एक आइडिया देंगे। अच्छे से डाल दो 1.5 लीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हम 1.5 लीटर इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी माइलेज आएगा फ्रेंड्स, आप उसे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि बाइक 1 लीटर में क्या माइलेज यहाँ पे ऑफर करती है। तो हमने यहाँ पे 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पे बाइक को राइड करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें बाइक एक्जैक्टली क्या माइलेज ऑफर करती है। और ये जो माइलेज टेस्ट रहने वाला है ये सिटी और हाईवे मिक्स रहेगा। अभी फ्रेंड्स हम सिटी में राइड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा हाईवेज। तो एक आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि फ्रेंड्स आप अगर मिक्स कंडीशन में राइड करते हैं तो बाइक आपको क्या माइलेज ऑफर करती है। फिलहाल में भी हमारे साथ भाई भी रहेगा और पूरे माइलेज टेस्ट हम साथ में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे से हमें आइडिया लग पाएगा कि बाइक हमें क्या माइलेज ऑफर करती है। अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का फ्रेंड्स हम लाइक एम का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, या फिर 5000 लाइक्स, जो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है आप करवा दें, ताकि हमें भी लगे कि हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। और चलिए यहाँ पे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बाइक में बैठते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं और बाइक को राइड करते हैं और आपको बताते हैं कि बाइक हमें एक्जैक्टली क्या माइलेज ऑफर करती है। तो फ्रेंड्स अब हम बैठ चुके हैं बाइक पर और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप ए जो है वो ज़ीरो है। ट्रिप फ्रेंड्स यहाँ पे बी भी हमने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है, आपको हम वो भी दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो भी एवरेज आएगा वो अभी आपको हम शो करेंगे कि बाइक हमें क्या यहाँ पे रियल में एवरेज प्रोवाइड करती है। तो ट्रिप ए में जो भी फ्रेंड्स किलोमीटर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 1.5 लीटर में। हमारे साथ यहाँ पे भाई बैठ चुका है हमारा और हम यहाँ पे मिरर्स को जो है वो सेट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों साइड का मिरर यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। और अब हम चलते हैं फ्रेंड्स बाइक को राइड करते हैं। अगर ओवरऑल में हम बात करते हैं फ्रेंड्स बाइक के बारे में, तो आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो गई है एक सेल्फ में ही। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं बाइक को फर्स्ट गियर में। और अगर अभी आप फ्रेंड्स देखते हैं तो बाइक को हम चलाएंगे इको स्पीड में, जैसे कि आपको हमने बताया था। मतलब हमारा जो स्पीड रहेगा वो 40 से 60 के बीच में ही यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अगर हम बात करते हैं बाइक के ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और अभी आप जानते होंगे कि थोड़ा मानसून वाला वेदर चल रहा है, तो बारिश वगैरह आ जाता है, तो ऐसे में माइलेज टेस्ट के वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आप लोगों का डिमांड ही इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम क्या करें। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हल्का हल्का बारिश भी आ रहा है। तो चलिए अब हम बाइक को थोड़ा राइड करते हैं। राइड करते हुए फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि बाइक चलाने में भी कैसी लगती है। E20 अपडेटेड वाले मॉडल को अगर आप देखते हैं तो बाइक यहाँ पर काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट हो गई। एक जरा भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मतलब आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट का जो नॉइस है वो नहीं आया। और बाकी राइडिंग पोस्चर की अगर हम बात करते हैं तो बाइक काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं। तो यहाँ पे सीट्स वगैरह जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है, जिससे कि फ्रेंड्स इस बाइक को यहाँ पे चलाने में काफ़ी एक कंफर्टेबल आपको एक सिटिंग पोस्चर मिलता है। हैंडल बार जो है वो अपराइट सेट है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको एक जरा भी बेंड नहीं होना पड़ता, आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। और ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है, हम इस ग्रीन लाइट में ही बाइक को चलाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स इसका इको मोड है। तो आप भी इससे जज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक मुझे यहाँ पे SP125 की अच्छी बात लगती है कि जो इसका इको इंडिकेटर है ये यहाँ पे जलते रहता है। जब तक आप इको मोड में चलाएंगे तब तक ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी बाइक इको मोड में ही चल रही है। तो हम इसी मोड में चलाने वाले हैं बाइक को और आपको दिखाएंगे कि मैक्सिमम माइलेज यहाँ पर क्या निकलता है बाइक से।
बाकी एक बार हम पिलियन से भी पूछ लेते हैं सिटिंग कंफर्ट के बारे में, कैसा है कंफर्ट भाई थोड़ा बता दो। सही है मतलब अगर लॉन्ग राइड वगैरह पे जाना है 100-150 किलोमीटर तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत। तो फ्रेंड्स पिलियन के लिए भी यहाँ पे सीट्स जो है वो कंफर्टेबल है, और मैं भी फ्रेंड्स एज अ पिलियन काफ़ी मैंने भी यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब मैं खुद भी SP125 में, मुझे भी बाइक काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। और जितने भी SP ओनर्स हैं वो बताएं बाइक के कंफर्ट के बारे में कि उन्हें कैसा कंफर्ट फील होता है बाइक चलाते हुए। और अगर आप फ्रेंड्स SP125 ओनर हैं तो आप ये भी हमें बताएं कि आपकी बाइक क्या माइलेज ऑफर कर रही है। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाइक को जो है वो पुल करते हैं, और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अब सिटी में एंटर करेंगे, वहाँ से आपको हम जो अच्छा माइलेज है वो बताएंगे कि यहाँ पे सिटी कंडीशंस और हाईवेज दोनों में मिक्स में यहाँ पे बाइक क्या माइलेज ऑफर करती है। फ्रेंड्स अब हम राइड कर रहे हैं यहाँ पे बाइक को सिटी कंडीशंस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर्स वगैरह है, तो यहाँ पे इसका जो सस्पेंशंस है वो काफ़ी अच्छे से टेस्ट हो जाता है। अगर हम इसके सस्पेंशंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन सेट है फ्रंट का भी और रेयर का भी, जिससे कि फ्रेंड्स आप सिटी कंडीशंस में जब बाइक को चलाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, आपको जो भी यहाँ पे पॉट होल्स और जो भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आता है ये फील नहीं होता है, आप कम्फर्टेबली अपनी जो राइड है उसे आप पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स बाइक के यहाँ पे ब्रेक रिस्पांस के बारे में, तो हम राइड कर रहे हैं इसका टॉप मॉडल जो कि डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। तो डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ब्रेकिंग जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्क ब्रेक जो है वो एक आपको यहाँ पे अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है जब आप बाइक राइड करते हैं उस टाइम पे। और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिलेगा सिटी ट्रैफिक, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा जो किलोमीटर्स है वो सिटी ट्रैफिक में भी चला लेते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिटी कंडीशंस में जो है वो और हाईवे मिक्स में हमें बाइक क्या माइलेज ऑफर करती है। तो चलिए अब थोड़ा हम यहाँ पे बाइक को पुल करते हैं, अभी आप देख सकते हैं हम बाइक को चला रहे हैं इको मोड में, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है, और फ्रेंड्स हम चलाएंगे बाइक को इको मोड में ही, जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में ही। तो चलिए इको मोड को मेंटेन करते हुए अपनी राइड को यहाँ पे चालू रखते हैं।
फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं लगभग में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सिटी कंडीशंस में चला लिया है 8.3 किलोमीटर मतलब 8.5 किलोमीटर के लगभग हमने चलाया है सिटी कंडीशंस में। अब आ रहा है फ्रेंड्स हाईवे और यहाँ से अब हम बाइक को राइड करेंगे हाईवे पे, देखते हैं कि बाइक हमें हाईवे पे क्या माइलेज ऑफर करती है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे सिटी और हाईवे आपका मिक्स हो जाएगा, अब जितना भी फ्रेंड्स बाइक चलेगा वो पूरा का पूरा हाईवे पे ही चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हमारा जो हाईवे है वो स्टार्ट हो गया है और अभी यहाँ पे हो चुका है हमारा 8.5 किलोमीटर्स और अभी भी बाइक है इको मोड में, तो इको मोड को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हाईवे पे, देखते हैं बाइक यहाँ पे हमें क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। फ्रेंड्स अगर अभी हम बात करते हैं तो बाइक को हम राइड कर चुके हैं ऑलमोस्ट 24.6 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में, आप देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर हमारा होने वाला है, तो लगभग में 50 का एवरेज तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्म है। और अभी तक यहाँ पे बाइक में फ्रेंड्स पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म होने का कुछ भी यहाँ पे हमें जो है वो साइंस नहीं मिला है। अगर हम बात करते हैं बाइक की यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी के बारे में तो बाइक फ्रेंड्स चलाने में काफ़ी अच्छी लग रही है। हमने फ्रेंड्स इसे जो है वो नॉर्मल हाईवेज पर भी चला लिया, ऐसे रोड्स पर भी चला लिया और विलेजेस वाले जो रोड है वहाँ पर भी हमने इसे टेस्ट कर लिया है। बाइक का जो सस्पेंशन का क्वालिटी है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा है, स्पेशली फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो फ्रेंड्स आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलता है जिससे कि फ्रेंड्स राइड जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती है। और अगर आप इसके सीट को भी देखते हैं तो लेंथ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि फ्रेंड्स अगर आप दो लोग बैठ रहे हैं तो आपके लिए बाइक यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको जो रेयर का सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल मिलता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर पाएंगे। और इस बार कंपनी ने यहाँ पे वाइडर टायर्स भी प्रोवाइड कर दिया है 100 सेक्शन का 100/80 का, जिससे कि फ्रेंड्स ग्रिप काफ़ी अच्छा मिल रहा है बाइक, मतलब एक जरा भी अभी तक कहीं भी स्किड नहीं की है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो बाइक का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है इनहेंस स्मार्ट पावर होंडा का, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट का भी फीचर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जिससे कि बाइक यहाँ पे काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। अभी एक बार और आपको हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। बाकी ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके हैंडलिंग की, तो हैंडल बार जो है वो अपराइट सेट है जिससे कि फ्रेंड्स राइडिंग के टाइम पर बाइक यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। 25 किलोमीटर हमने यहाँ पर लगभग राइड कर लिया है तो हमें बाइक यहाँ पर अभी तक मतलब किसी भी तरह का कोई बैक पेन वगैरह नहीं फील हुआ है। और फ्रेंड्स मतलब बाइक जो है वो मतलब हमें लग रहा है कि अभी हम और ईजिली जो है वो चला पाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब डिसकम्फर्ट कुछ भी यहाँ पर फील हो रहा है। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप ऑल ओवर में फिट एंड फिनिशिंग की क्वालिटी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है, कहीं पे भी पैनल गैप्स वगैरह जो है वो मुझे अभी तक नहीं फील हुआ है। बस यहाँ पे जो की है वो थोड़ी सी फ्रेंड्स मतलब सस्ती लगती है देखने में, बाकी ये कोई मतलब मेजर पॉइंट नहीं है। बाकी ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो बाइक यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, इसका जो डिस्प्ले का यहाँ पर क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेंड्स इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर, और कंपनी यहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर प्रोवाइड करती है, ट्रिप मीटर आपको मिल रहा है, टाइम भी फ्रेंड्स ये बाइक यहाँ पे शो करती है। तो और यहाँ पे आपको दो सेट के बटन्स जो है वो मिल जाते हैं। ओवरऑल में यहाँ पे एक इको मीटर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है जिससे कि आपको ये पता चलते रहता है कि आपकी बाइक जो है वो इको मोड में है या फिर नहीं है। आपको एक बार इसका हम हॉर्न सुना देते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे आपको जो है वो अच्छा लाउड हॉर्न मिलता है, 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से सिंगल हॉर्न कंपनी दे रही है। यहाँ पे आपको मिलता है पास, हाई बीम, लो बीम एक में ही इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। तो अभी हम चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुनाएंगे, और अभी यहाँ से फ्रेंड्स हम वापस भी निकलेंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं बाइक यहाँ पर साइलेंटली स्टार्ट हो गई है। अब हम वापस से फ्रेंड्स रोड पर चढ़ेंगे और यहाँ से अभी हम निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो बाइक कैसे डिलीवर कर रही है। बाकी फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में इसके यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो अभी आप देख लें यहाँ पे बाइक जो है वो इजीली हमारी ऊपर आ चुकी है, और अब यहाँ से फ्रेंड्स हम जो है वो अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ, तो अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, हम बाकी देखते हैं अब बाइक हमें क्या माइलेज ऑफर करती है। 24.6 किलोमीटर हमारा यहाँ पर हो चुका है, अब माइलेज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो वीडियो के एंड में आपको हम बता देंगे। बाकी अगर आप फ्रेंड्स बजाज की पल्सर 125 का जो है वो माइलेज टेस्ट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे E20 वाले मॉडल का, तो आप वहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो मतलब जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपको पल्सर 125 में क्या माइलेज मिल रहा है। बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल का हमने माइलेज टेस्ट कर दिया है पल्सर 125 का। तो चलिए अब यहाँ से फ्रेंड्स हम बाइक को थोड़ा पुल करते हैं और डायरेक्टली फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे वापस भी जाएंगे। आप देख सकते हैं
हमने फ्रेंड्स इसे जो है वो सब टाइप के रोड्स पे यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं पॉटहोल्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाइक जो है वो कम्फर्टेबली निकल जा रही है। और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाईवे में ही चला रहे हैं या सिटी में चला रहे हैं, मिक्स पूरा कंडीशंस में यहाँ पे चला रहे हैं। थोड़ा फ्रेंड्स हम जो है वो बाइक को विलेजेस टाइप के एरिया में भी हमने टेस्ट कर लिया, हाईवेज़ पर भी टेस्ट कर लिया, और बाकी नॉर्मल सिटी ट्रैफिक्स में तो खैर हमने राइड कर ही लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम बाइक को पुल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स का जो कंडीशन है आप मतलब सही है, उतना भी ख़राब नहीं है, बट एकदम जो आप बोल सकते हैं कि स्मूथ रहता है वैसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो आपको जर्क फील होगा रोड में, बट सस्पेंशन सॉफ्ट है तो वो फ्रेंड्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है, फील नहीं हो रहा, मतलब आपके तक वो जो जर्क है वो नहीं पहुँचेगा। तो चलिए अब थोड़ा बाइक को हम पुल करते हैं। बाकी आप लोकेशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मतलब मौसम भी काफ़ी अच्छा है और बाइक चलाने में भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। तो चलिए अब डायरेक्टली आपसे अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स जहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म होगा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब आपको हम डायरेक्टली मिलेंगे जहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म होगा वहाँ पे। अभी फ़िलहाल में आप देख ले 25.6 किलोमीटर्स यहाँ पे हमारा हो चुका है, और अब हम बाइक को थोड़ा पुल करेंगे, देखते हैं हमारा जो पेट्रोल है वह कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, और अब आपसे हम वहीं पर मिलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आकर हमारा जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। आप देख ले टोटल जो किलोमीटर्स हमारी बाइक चली है वो है 31.2 किलोमीटर्स, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये है ट्रिप ए, और ट्रिप ए में ही हमने यहाँ पे माइलेज टेस्ट को स्टार्ट किया था 0 किलोमीटर्स से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने हाफ लीटर जो है वो पेट्रोल लिया था, और हाफ लीटर में हमारी बाइक चली है 31.2 किलोमीटर्स। एक बार आपको हम बाइक जो है वो स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे साइड स्टैंड ऑलरेडी ऊपर कर रखा है, वरना आप लोग बोलेंगे कि साइड स्टैंड लगा हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। बाइक यहाँ पर न्यूट्रल में है अभी, आप देख सकते हैं, आपको हम स्टार्ट करके दिखा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाइक यहाँ पर फ्रेंड्स और स्टार्ट हो नहीं रही है। तो ये है फ्रेंड्स FI वाली बाइक है, तो ज़्यादा और हम सेल्फ लेंगे नहीं, बस आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि बाइक स्टार्ट अब नहीं हो रही है। तो लास्ट यहाँ पे हमारी जो बाइक है वो चली है 31.2 किलोमीटर्स, और अगर हम फ्रेंड्स इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू टू अगर करते हैं तो आपको हम कैलकुलेट करके भी बता देते हैं साथ के साथ ही, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से जो है वो आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर टोटल जो हमारी बाइक चली है वो है 31.2, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा जो माइलेज निकल कर आया वो है फ्रेंड्स 62.4 का। तो मतलब हमें यहाँ पे बाइक ने जो एवरेज दिया है वो दिया है 62.4 के अप्रॉक्स का, और फ्रेंड्स हम यहाँ पे राइडर और पिलियन दो लोग थे और हमने यहाँ पे फ्रेंड्स साथ में ही राइड किया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि सिटी और यहाँ पर हाईवे कंडीशन में हमने मिक्स में चलाया है, बट ये रहा कि फ्रेंड्स बाइक यहाँ पर थी हमारी इको मोड में। तो इको मोड में यहाँ पर बाइक ने हमें काफ़ी अच्छा माइलेज यहाँ पर डिलीवर किया है। मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं 125cc सेगमेंट में तो बाइक यहाँ पर E20 अपडेट्स के साथ आ रही है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बाइक ने माइलेज डिलीवर किया है। तो अगर आप भी फ्रेंड्स एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पर बाइक का जो माइलेज है वो कैसा लगा है। बाकी भाई हमारे साथ था पूरे रास्ते, आप देख सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स अच्छे से बाइक को राइड करेंगे, अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, तो बाइक आपको यहाँ पर अच्छा माइलेज डिलीवर करेगी। बाकी ये फ्रेंड्स था पूरा का पूरा यहाँ पर इको मोड में। इसमें यहाँ पर हमने बाइक को जो है वो एक जरा भी हाई स्पीड नहीं किया था, हम जो है वो 60 का ही स्पीड मेंटेन करके चल रहे थे। और अगर आपको फ्रेंड्स पल्सर 125 का भी माइलेज टेस्ट का वीडियो देखना है तो आपको हम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, E20 वाला ही वो भी मॉडल है। तो आप फ्रेंड्स वो भी चेकआउट कर लें, आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा कि बाइक क्या माइलेज ऑफर करती है। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करेंगे। मैं होप करता हूं आपकी सभी डाउट्स यहां पे हम क्लियर कर पाए हों, और ओवरऑल में फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो माइलेज है वो अच्छा है। जितने भी यहाँ पे SP125 ओनर है जो कि पहले से यहाँ पे SP चला रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपकी बाइक क्या माइलेज डिलीवर कर रही है और आपकी कौन सी मॉडल है, ताकि यहाँ पे जितने भी भाई लोग परचेस करने का प्लान बना रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।